हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे हम 8 LEDs को आर्डिनो के साथ यूज़ करेंगे बिना आर्डिनो की 8 आउटपुट पिन्स यूज़ करें। वैसे तो आप 8 LEDs को रजिस्टर्स के साथ आर्डिनो से कनेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने RGB LED वाले वीडियो में एक RGB LED को कनेक्ट करके दिखाया था। बट ऐसा करने पर आर्डिनो पिन्स की शॉर्टेज पड़ सकती है हमारे किसी भी प्रोजेक्ट में। अगर ज़्यादा कुछ और चीज़ें नहीं हैं कनेक्ट करने को तो ठीक है, अदरवाइज़ कई बार हमें बटन्स, सेंसर्स, सर्वो मोटर्स जैसी चीज़ें भी कनेक्ट करनी पड़ती हैं तो हमारे पास पिन्स की कमी हो जाएगी। तो वो सब करने की जगह हम यूज़ करेंगे एक IC 74HC595, जो कि एक सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर है। इस चिप में 8 आउटपुट्स हैं और 3 इनपुट्स हैं, जिससे हम डाटा फीड करते हैं बिटवाइज। इस प्रोजेक्ट को करने में हमको ज़रूरत पड़ेगी 8 LEDs की, 8 रजिस्टर्स 220 ओम के, 1 IC 74595, 1 ब्रेडबोर्ड, आर्डिनो यूनो और कुछ जम्पर वायर्स के। क्योंकि हमारे पास 8 LEDs और 8 रजिस्टर्स हैं कनेक्ट करने को, तो थोड़े कनेक्शंस करने पड़ेंगे एज पर द सर्किट डायग्राम शोन। पहले हम IC को प्लेस करेंगे, क्योंकि बाकी की हर चीज़ इसी के साथ कनेक्ट करनी है। ऐसे प्लेस करें IC को ताकि यू शेप नॉच ब्रेडबोर्ड के ऊपर की तरफ हो, तो पिन नंबर 1 लेफ्ट टॉप कॉर्नर वाली होगी। वैसे 8 आउटपुट्स में 7 आउटपुट्स लेफ्ट साइड में ही अवेलेबल हैं चिप के, तो इसलिए हम LEDs को भी उसी साइड में रखते हैं ताकि कनेक्शंस थोड़े इजी हो। अब रजिस्टर्स को प्लेस करेंगे। थोड़ा आप सब ध्यान रखिएगा कि किसी भी रजिस्टर की लैग दूसरे किसी भी रजिस्टर की लैग्स को टच ना करे। आर्डुइनो में पावर कनेक्ट करने से पहले भी इसको एंश्योर जरूर कर लें। अगर इसमें दिक्कत आ रही हो तो रजिस्टर्स की लैग्स को भी छोटा कट करके भी लगाया जा सकता है, ताकि वो ब्रेडबोर्ड के सरफेस के ही क्लोज रहें। सारे LEDs को ग्राउंड कॉमन कनेक्ट करके साथ में आर्डिनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें यूजिंग जम्पर वायर्स, और इसी ग्राउंड को IC के ग्राउंड से भी कनेक्ट करना ना भूलें। सर्किट डायग्राम को देख के एक बार लास्ट में भी सारे कनेक्शंस फिर से चेक कर लें। आर्डिनो प्रोग्राम कोड पर जाने से पहले जल्दी से एक बार देख लेते हैं कि ये शिफ्ट रजिस्टर IC क्या करती है, ताकि हम समझ सकेंगे कि कोड में हमें क्या करना है। इसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि जैसे ये 8 मेमोरी लोकेशंस को होल्ड कर सकती है, जिसकी वैल्यू 1 या 0 हो सकती है। तो इन वैल्यूज़ को ऑन ऑफ सेट करने के लिए हम डाटा को फीड करते हैं यूजिंग द डाटा एंड क्लॉक पिन्स ऑफ द चिप। क्लॉक पिन्स को 8 पल्सेस को रिसीव करने की ज़रूरत होती है। हर एक पल्स पर अगर डाटा पिन हाई है तो 1 पुश्ड हो जाता है शिफ्ट रजिस्टर में, अदरवाइज 0।
जब सारी 8 पल्सेस रिसीव हो जाती हैं, तब लैच पिन को इनेबल करने पर वो 8 वैल्यूज लैच रजिस्टर में कॉपी हो जाती हैं। ये ज़रूरी है, नहीं तो LEDs फ्लिकर कर सकती है जब डाटा शिफ्ट रजिस्टर में लोड हो रहा होता है। इस IC में एक OE आउटपुट इनेबल पिन भी है, जिसके यूज से हम सारे आउटपुट्स को इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। आप इस पिन को Arduino की किसी भी PWM इनेबल पिन के साथ कनेक्ट करके और एनालॉग राइट फंक्शन यूज़ करके LEDs की ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये पिन एक्टिव लो है, तो हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। Arduino में एक स्पेशल फंक्शन दिया गया है जिसको कहते हैं शिफ्ट आउट, जो कि स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है शिफ्ट रजिस्टर को डाटा भेजने के लिए। ये फुल स्केच है, इसको चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वो 3 पिन्स को डिफाइन करेंगे जो हम Arduino की यूज़ करने वाले हैं। ये Arduino की 3 डिजिटल आउटपुट पिन्स को कनेक्ट किया है IC74595 के लैच, क्लॉक और डाटा पिन के साथ। अब एक वेरिएबल जिसका नाम LEDs LEDs डिफाइन किया है, ये होल्ड करेगा उस पैटर्न को कि कौन सा LED करंटली ऑन है या ऑफ है। डेटा टाइप बाइट रिप्रेजेंट करता है नंबर को, जो 8 बिट्स होता है। हर एक बिट या तो ऑन या ऑफ हो सकता है, तो ये परफेक्ट रहेगा हमारे केस में, जहां हमको हमारे हर LEDs का स्टेट पता चलेगा, यानी वो ऑन है या ऑफ। सेटअप फंक्शन में उन 3 पिन्स को एज डिजिटल आउटपुट सेट किया गया है। लूप फंक्शन इनिशियली सब LEDs को ऑफ करेगा, क्योंकि हमने LEDs की वैल्यू को 0 किया हुआ है। फिर अपडेट शिफ्ट रजिस्टर कॉल होगा, जो LEDs पैटर्न को सेंड करेगा शिफ्ट रजिस्टर को। अपडेट शिफ्ट रजिस्टर कैसे काम करेगा ये अभी हम देखेंगे। फिर हाफ सेकंड के लिए लूप फंक्शन पॉज होगा और फिर 0 to 7 काउंट करेगा यूजिंग द फॉर लूप एंड द वेरिएबल i। हर बार Arduino फंक्शन बिट सेट को यूज़ करके बिट को सेट यानी हाई करेंगे, जिससे LED कंट्रोल होगी LEDs LEDs वेरिएबल में। इसके बाद अपडेट शिफ्ट रजिस्टर कॉल होगा और जो हमारे वेरिएबल LEDs में है वो आउटपुट एक्चुअल LEDs पर रिफ्लेक्ट होगा। फंक्शन अपडेट शिफ्ट रजिस्टर सबसे पहले लैच पिन को लो सेट करता है, फिर Arduino फंक्शन शिफ्ट आउट को कॉल करता है और फिर लैच पिन को हाई करता है। ये शिफ्ट आउट फंक्शन 4 पैरामीटर्स को लेता है, जिसमें पहले 2 डाटा और क्लॉक पिन्स के लिए हैं। तीसरा पैरामीटर में बताना होता है कि आप किस एंड से डाटा स्टार्ट करना चाहते हो। यहाँ पर हमने राइट मोस्ट बिट यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB से स्टार्ट कर रहे हैं, और लास्ट पैरामीटर है एक्चुअल डाटा जो शिफ्ट करना है शिफ्ट रजिस्टर में, जो हमारे केस में LEDs LEDs वेरिएबल में है। फ्रेंड्स, अगर आप LEDs को ऑन करने की जगह ऑफ करना चाहते हो, तो एक सिमिलर Arduino फंक्शन बिट क्लियर को कॉल करेंगे LEDs वेरिएबल के साथ। इससे वो पर्टिकुलर बिट 0 सेट हो जाएगी LEDs वेरिएबल में, और बस फिर अपडेट शिफ्ट रजिस्टर फंक्शन को कॉल कर दीजिए, जो आपके एक्चुअल LEDs को अपडेट कर देगा।
और अब लास्ट में इन LEDs की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके भी देख लेते हैं बाय यूजिंग द पिन नंबर 13 ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर IC 74595 जो कि है आउटपुट इनेबल पिन। फिलहाल हमने इसको ग्राउंड किया हुआ था और अब इसको कनेक्ट करेंगे PWM पिन 3 ऑफ द Arduino। एनालॉग राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इस एनालॉग राइट फंक्शन की हेल्प से मैंने अपने पहले एक वीडियो में RGB LED की ब्राइटनेस को कंट्रोल करके दिखाया हुआ है। चलिए अब ये वाला अपडेटेड कोड को अपलोड करते हैं और आउटपुट देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आप भी ये कोर्स ट्राई करें, प्रैक्टिकल करें और एन्जॉय करें। थैंक यू।